बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं सीएनएस फार्माकोलॉजी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं सीएनएस फार्माकोलॉजी। तो ओपियाइड रिसेप्टर क्लास, तो ओपियाइड के डिफरेंट क्लासेस होते हैं, लाइक म्यू वन, म्यू टू, डेल्टा और कैपा होता है। ओके, जो म्यू वन और म्यू टू होते हैं, एटलीस्ट आपने इनके फंक्शन तैयार नहीं करना, लेकिन आप इनके रिसेप्टर के नाम तैयार कर लेना। और एक बात याद रख लेना कि जो फीडबैक इनिबिशन होती है एंडोर्फिन सिस्टम की, वो कैपा के जरिए होती है। ओके, जबकि सुपरा स्पाइनल एनेस्थीसिया वगैरह ये म्यू की वजह से होता है मेनली। अच्छा, तो यहाँ पर एक रिसेप्टर का नाम लिखा हुआ है, सिग्मा रिसेप्टर। तो सिग्मा रिसेप्टर होता है, ये पैराटॉक्सिकल एक्साइटेटरी एक्टिविटी को शो करता है। ठीक है, ऐसे एगोनिस्ट जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सिग्मा रिसेप्टर पर जाके बाइंड करते हैं, उनको नैलक्सोन एंटागोनाइज नहीं कर सकता। डैट इज़ वाई हम इनके रिसेप्टर को ओपिएट रिसेप्टर नहीं कह सकते। इसके बाद है कि कॉग्निटिव थेरेपी है एक्यूट मेनिया के अटैक के अंदर। जो एक्यूट मेनिया के जो अटैक है, उसको ट्रीट करने के लिए ड्रग और चॉइस होती है, वो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक होती है, बेंजोडाइजेपिन होती है, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग होती है, और लिथियम वगैरह होती है। बेंजोडाइजेपिन में डाइजीपाम वगैरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटी कन्वल्सेंट के अंदर वेलप्रोइक एसिड, कार्बामेज़ेपिन और लिथियम वगैरह होती है। अब तमाम एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है, विद एक्सेप्शन ऑफ क्लोजेपिन, इलोपरिडीन, ब्रेक्सीप्रोजोल और लोरासिडोन, इनकी एक्यूट मीनिया के लिए इस्तेमाल हो सकती है। ठीक हो गया। तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक है, वो एक्यूट मीनिया में इफेक्टिव होती है, लेकिन एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो एक्यूट मीनिया के लिए आप एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है, बेंजोडाइजेपिन, एंटी कन्वल्सेंट है जिसमें वेलप्रोइक एसिड, कार्बामेज़ेपिन और लिथियम वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है हाइपरएल्जेसिया। ओके, जो मॉर्फिन होती है, मॉर्फिन का जो इफेक्ट है वो म्यू रिसेप्टर के जरिए होता है। जो म्यू रिसेप्टर है वो डिपेंड करता है कि सुपरा स्पाइनल या स्पाइनल रिसेप्टर पर जाकर बाइंड किया है। तो सुपरा स्पाइनल इफेक्ट है, उसमें फिजिकल डिपेंडेंस आ सकता है, यूफोरिया आ सकता है, एनाल्जेसिया और सेडेशन है। इसका निमोनिक होता है पीस, पीस है फिजिकल डिपेंडेंस, ई से यूफोरिया है, एस एनाल्जेसिया और एस से सेडेशन होती है। स्पाइनल इफेक्ट में कॉन्स्टिपेशन है, एनाल्जेसिया हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकती है। इसका निमोनिक है कार। ओके, इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन ऑन द हार्ट, तो रिलेटिवली हार्ट के ऊपर ये ब्रैडीकार्डिया और हाइपरटेंशन करवा सकती है, आइस के ऊपर ये मियोसिस वगैरह करवा सकती है। जो मियोसिस है वो पिन पॉइंट पीपल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, जो मॉर्फिन है वो एनाल्जेसिया वगैरह करवा सकती है, हाइपरएल्जेसिया इसका विड्रॉल सिम्टम होता है। इसके बाद चलते हैं प्रोपेनोलोल, जो एक कैथेसिया होता है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम होता है, मेनली टिपिकल एंटीसाइकोटिक को लेने की वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल हैलोपेरिडोल है, फ्लूफेनाजिन होती है, इसमें रेस्टलेसनेस होती है, फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट होती है, कॉन्स्टेंट पर्पज लेस इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह पर। जो कैथेसिया होता है मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम होता है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कैथेसिया होता है प्रोपेनोलोल होती है। तो कैथेसिया एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम होता है जो कि टिपिकल की वजह से होता है। एमएलटीओन है द मोस्ट कॉमन प्रिस्क्रिप्शन एजेंट होती है। ओके, इंसोमनिया के लिए, तो इंसोमनिया को ट्रीट करने के लिए जो एजेंट होती है बेंजोडाइजेपिन या नॉन बेंजोडाइजेपिन एंटीबायोटिक कह रहा हूं मैं, नॉन बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स होती है। अब टाइप्स ऑफ इंसोमनिया और इनके ड्रग्स लिखे हुए हैं। एक है ट्रांजिएंट इंसोमनिया, आई थिंक इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं आ सकता। अच्छा, ऐसे लोग जिनको सोने में डिफिकल्टी होती है, डिफिकल्टी गोइंग टू द स्लीप, तो उसके अंदर ट्राइजोलाम इस्तेमाल कर सकते हैं। टीमाजोपाम फॉर इंसोमनिया कॉज बाय इनएबिलिटी टू स्टे ए स्लीप। ओके, ठीक है, आप सोना ओके टू इनएबिलिटी टू स्टे ए स्लीप, तो इसके लिए टीमाजेपाम वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, जोलबेडम, ज़ेलप्लान वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आई थिंक इतना ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं आ सकती एग्जाम में। जो बेंजोडाइजेपिन होती है फर्स्ट लाइन एजेंट होती है फॉर द शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट ऑफ इंसोम्निया, स्पेसिफिकली स्लीप की लेटेंसी को कम कर देती है। टाइम टू स्लीप ऑनसेट है, तो जो स्लीप ऑनसेट का जो टाइम होता है उसको कम कर देती है। बेंजोडाइजेपिन के अंदर जो ट्राइजोलाम है ये मोस्ट इफेक्टिव ड्रग होती है, स्पेसिफिकली ऐसे लोग जिनके अंदर जिनको सोने में बहुत डिफिकल्टी होती है। वाली टीमाजेपाम ऐसे इंसोम्निया जो कि इनएबिलिटी टू स्टे ए स्लीप इसकी वजह से होता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए टीमाजेपाम इस्तेमाल कर सकती है। लोराजेपाम, डायजेपाम और मिडाजोलाम ये प्री एनास्थेटिक ड्रग होती है। ओके, लोराजेपाम, डायजेपाम और मिडाजोलाम प्री एनास्थेटिक ड्रग होती है। हाई डिग्री ऑफ एमनीजिया वगैरह करवा देती है, मोस्ट रैपिड ऑनसेट होता है, शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। इसके अलावा जो मेलाटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल रेमल्टियोन, टेसिमल्टियोन, ये स्लीप ऑनसेट इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, स्पेसिफिकली सर्कैडियन रिदम डिसऑर्डर वगैरह के लिए। ओके, और सेरोटोनिन टाइप 3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में रिटेंसिन है, वो आगे स्लीप की डेप्थ को इंप्रूव कर देती है। बाकी बसपिरोन वगैरह वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पार्शियल एगोनिस्ट होती है, सेरोटोनिन के वाले रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती है। क्लोजापिन है, तो जो एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, टिपिकल और एटिपिकल है। जो टिपिकल है उसको क्लासिकल भी कहते हैं, D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। जो एटिपिकल होती है सेरोटोनिन के टाइप 2 रिसेप्टर को, D4 को, D2 को, अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। जो टिपिकल वाली होती है उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, फिनोथायोजिन है, थायोजेंथिन और बटायरोफिनोन है। जो फिनोथायोजिन होती है उसमें क्लोरप्रामाजीन है, थियोरिडाजीन है, ट्राइफ्लोपेराजीन है, फ्लूफेनाजीन है, परफिनाजीन है। थियोजेंथिन के अंदर थियोथिक्सिन मेनली याद रखना है आपने, जबकि बटायरोफिनोन के अंदर हैलोपेरिडोल है, ड्रोपेरिडोल है, बेनपेरिडोल है, डोमपेरिडोन है। मेनली आपने हैलोपेरिडोल को याद रखना है, ठीक है। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक, तो इसमें रिस्पेरिडोन है, क्यूटापिन है, एरिप्राजोल है, क्लोजापिन है, ओलेंजापिन है, ज़ेप्रासिडोन है, इसके अलावा लोरासिडीन है, ये सब चीज़ें आ जाती है। क्लोजापिन की तरह चलते हैं, क्लोजापिन वगैरह इस्तेमाल होती है रेजिस्टेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, शिज़ोफ्रेनिया वगैरह के लिए। तो जो टिपिकल और एटिपिकल में क्या फ़र्क होता है, जो एटिपिकल की वजह से लाइपोडिस्ट्रोफी सिंड्रोम हो सकता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जिसमें हाइपरग्लाइसीमिया होता है, हाइपोलिपिडीमिया होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, वेट गेन होता है, जबकि टिपिकल के अंदर एक्स्ट्रा पिरामिडल
सिम्टम होते हैं, फॉर एग्जांपल डिस्टोनिया हो सकता है, एकथीसिया वगैरह हो सकता है, पार्किंसन हो सकते हैं, ओके, न्यूरोलैप्टिक मालिगनेंट सिंड्रोम हो सकता है, मोस्ट डेंजरस होता है पेरीओरल ट्रेमर हो सकती है, रैबिट सिंड्रोम वगैरह इसको कहते हैं पेरीओरल ट्रेमर को, और इसके अलावा टार्डिव डिस्काइनेसिया वगैरह हो सकता है, ओके। एंटीसाइकोटिक के अंदर सबसे ज़्यादा जो लाइपोडिस्ट्रॉफी होने के चांसेस होते हैं एटिपिकल वाले में, ठीक है, तो वो होते हैं क्लोजापिन की वजह से काफ़ी ज़्यादा होती है, ओके। जो फर्स्ट एंटी सुसाइडल ड्रग है वो क्लोजापिन होती है, क्लोजापिन के अंदर साइड इफेक्ट में सेडेशन, सियालूरिया और एग्रैनुलोसाइटोसिस होती है, एग्रैनुलोसाइटोसिस होती है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रेजिस्टेंट शिजोफ्रेनिया, तो जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है फॉर रेजिस्टेंट शिजोफ्रेनिया के लिए तो वो क्या होती है, क्लोजापिन होती है, जबकि क्लोजापिन की वजह से सेडेशन, सियालूरिया और एग्रैनुलोसाइटोसिस वगैरह हो सकता है। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक होती है जो कि लाइपोडिस्ट्रोफी नहीं करवाती, तो ज़िप्रासिडोन है और हिस्पैरिडोन होती है। टिपिकल एंटीसाइकोटिक जिसका लीस्ट एक्स्ट्रापिरामिडल सिम्टम होता है तो थियोरिडाज़ीन होती है। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक जिसका लीस्ट एक्स्ट्रापिरामिडल सिम्टम होता है तो वो क्लोजापिन होती है, ओके। जो एक्स्ट्रापिरामिडल सिम्टम है, ओके, या जिसका एक्स्ट्रापिरामिडल साइड इफेक्ट या सिम्टम वगैरह कहते हैं, तो ये डोपामिन के ब्लॉकेट की वजह से होता है, जिसकी वजह से पार्किंसन लाइक सिम्टम आना शुरू हो जाती है, डिस्टोनिया होता है, एकथीसिया वगैरह हो सकता है। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम होती है टिपिकल की वजह से ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एटिपिकल है, ओके। जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉगेस्ट है वो हैलोपेरिडोल होते हैं, सबसे ज्यादा इसकी वजह से आते हैं, इसके अलावा ड्रोपेरिडोल, इसकी वजह से भी एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम और हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया वगैरह हो सकती है, ओके। जो वीकर D2 ब्लॉकर है फॉर एग्जाम्पल क्लोप्रोमाजीन और थायरोडेजिन, थायरोडेजिन का सबसे काम होता है, तो क्लोप्रोमाजीन इसकी वजह से एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम आते हैं, जबकि थायरोडेजिन की वजह से कॉर्नियल ओपेसिटी होती है, रेटिनल पिगमेंटेशन होती है, सीजर का थ्रेशोल्ड कम हो जाता है। इंटरमीडिएट के अंदर फ्लोफेनाजीन और परक्लोरफेनाजीन आ जाती है। जो डिस्टोनिया होता है अर्ली एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम होता है जो कि देखा जाता है, इसको ट्रीट करने जो डिस्टोनिया को ट्रीट करने के लिए ड्रग हम यूज़ करते हैं वो डाइफिन हाइड्रामिन वगैरह यूज़ करते हैं। एकथीसिया होता है, एकथीसिया मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम होता है, जबकि अर्लीस्ट के अंदर डिस्टोनिया होता है, ओके। जो कॉन्स्टेंट पर्पसलेस मूवमेंट होती है एक जगह से लेकर दूसरी जगह के ऊपर, एकथीसिया को ट्रीट करने के लिए हम प्रोपैनोलोल इस्तेमाल करते हैं, जबकि डिस्टोनिया को ट्रीट करने के लिए डाइफिन हाइड्रामिन होती है। न्यूरोलैप्टिक मालिग्रेन सिंड्रोम में सीवियर मसल स्पैज़म होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है आफ्टर इनटेक ऑफ एंटीसाइकोटिक, तो जो ड्रग की चॉइस होती है न्यूरोलैप्टिक मालिग्रेन सिंड्रोम के लिए तो वो डेंट्रोलिन होती है, और सबसे ज़्यादा डेंजरस टाइप होती है। इसके अलावा न्यूरोलैप्टिक मालिग्रेन सिंड्रोम हो सकता है जिसमें मसल का स्पैज़म हो सकता है, हाई ग्रेड फीवर है, इसको ट्रीट करने के लिए डेंट्रोलिन देते हैं। डेंट्रोलिन होती है न्यूरोलैप्टिक मालिग्रेन सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। एकथीसिया एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम है जिसके अंदर बंदा एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर मूव करता रहता है, पर्पसली इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस विदाउट एनी सोर्स ऑफ एंजाइटी। एकथीसिया मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम होता है, इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस प्रोपैनोलोल होती है, ओके। जो क्लोजापिन होती है ये वाइड एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है, जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है इनकी वजह से एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम ना होने के बराबर होती है, इसमें भी क्लोजापिन सबसे कम करवाती है। एरिप्राजोल होती है, ये एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम सबसे कम करवाती है, ठीक है। जो टिपिकल है उनके एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम होते हैं टिपिकल एंटीसाइकोटिक की वजह से होते हैं, जो कि D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। परक्लोरपेराजीन डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर होती है जो कि फिनोथायजन वाली कैटेगरी से बिलोंग करती है। अब ये फिनोथायजन एंटी एमेटिक एक्शन होता है, यानी नोजिया और वर्टिगो को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, ओके। अब दूसरे ऑप्शन वगैरह को यहाँ पे बता रहे हैं, जो साइक्लोजिन है ये एंटी हिस्टामिन ड्रग होती है, नोजिया और वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, ऐसी नोजिया वॉमिटिंग जो कि मोशन सिकनेस से एसोसिएटेड होती है। मोजापिराइड ये गैस्ट्रो प्रोकाइनेटिक एजेंट होती है, सेरोटोनिन टाइप 4 रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती है। जो डोमपेरिडोन है एंटीमैटिक ड्रग है, D2 रिसेप्टर D3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर CNS पर जाके काम नहीं करती होती। उसके बाद है क्यूटापिन, तो क्यूटापिन एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है जिसके जो कि लेंटिकुलर ओपेसिटी और कैटरेक्ट करवा देती है, ओके। लेंटिकुलर ओपेसिटी और कैटरेक्ट क्यूटापिन की वजह से होता है। कॉर्नियल ओपेसिटी या थियोराडिसिन की वजह से और क्लोरप्रोमाजिन की वजह से देखने को मिलती है। इसके बाद है रिस्पेरिडोन, जो एटिपिकल जिसका मैक्सिमम रिस्क ऑफ हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया तो रिस्पेरिडोन होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एटिपिकल के अंदर तो रिस्पेरिडोन है, जबकि एटिपिकल विद द लीस्ट रिस्क ऑफ एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम तो क्लोजापिन होती है। जो एटिपिकल जो कि कार्डियक अरिथमिया करवा देती है तो उसमें ज़ोटिपिन वगैरह आ जाती है। एटिपिकल जिसका मैक्सिमम रिस्क ऑफ ओबेसिटी होता था वो क्लोजापिन होती है, ठीक है। लाइपोडिस्ट्रॉफी सिंड्रोम वगैरह हो सकता है। हेलोपेरिडोल का सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम होता है, फॉर एग्जांपल न्यूरोलैप्टिक मालिग्रेन सिंड्रोम हो सकता है, ओके, ठीक हो गया। अब ये होता है कि जो एंजाइटी है, एंजाइटी क्यों होती है, CNS स्टिमुलेशन की वजह से होती है। लाइक अगर GABAergic की एक्टिविटी कम होगी या सेरोटोनिन की एक्टिविटी कम होगी है तो एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए CNS डिप्रेसेंट ड्रग लेगी, लाइक डायजीपाम है, उसके अलावा ऐसे ड्रग जो कि सेरोटोनिन के लेवल को कम कर रही है, फॉर एग्जांपल बसपिरोन है, बुप्रोपियोन है। जो ड्रग को चॉइस होती है एंजाइटी अटैक के लिए तो बेंजोडाइजेपिन होती है। क्रॉनिक एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर ऐसे सारा ही लाइक फ्लोक्सामिन वगैरह यूज़ करते हैं। जो एंटी सेरोटोनर्जिक ड्रग होती है, ओके,
यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन वगैरह लिखा हुआ, कहते हैं कि तकरीबन 2 हफ्ते चाहिए होते हैं थेरापेटिक इफेक्ट के लिए, डैट इज़ वाई अब इनको एक्यूट अटैक में नहीं देते। किटामीन एक इंट्रावीनस एनेस्थेटिक होती है जो कि जिसके पास एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी भी होती है, सीवीएस को स्टिमुलेट कर देती है, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया करवा देती है। इसमें एनाल्जेसिया काफ़ी ज़्यादा होता है, इमोबिलिटी होती है, एमनीजिया होता है, डिसोसिएशन होती है फ्रॉम द बॉडी एंड द सराउंडिंग है, ब्रोंको डायलेटर इफेक्ट होता है। ओके तो ये इंडक्शन एजेंट ऑफ जॉइंट्स होती है इन द अस्थमा पेशेंट। इसके अलावा हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, इल्यूजन, प्रोफाइंड एनाल्जेसिया करवा देती है। अब जो किटामीन है सारे प्रेशर को बढ़ा देती है, ठीक है, लाइक बीपी, ब्लड प्रेशर है, हार्ट रेट है, कार्डिक आउटपुट है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, सेरेब्रल ब्लड फ्लो को बढ़ा देती है, इंट्राकुलर प्रेशर को बढ़ा देती है। डेट इज वाई के इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, एमआई, शिजोफ्रेनिया, एपिलेप्सी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। ओके जो किटामीन है एनएमडीए रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है ग्लूटामेट के, ठीक है। अब साइड इफेक्ट ऑफ अदर ड्रग है, लाइक प्रोपोफोल है, प्रोपोफोल एपीएम वगैरह करवा देती है, ब्लड प्रेशर को कम कर देती है, हार्ट रेट को कम कर देती है। थियोपेंटीन है, तो थियोपेंटीन क्या होती है, थियोपेंटीन ये लैरिंजियोस्पाज्म करवाती है, शेवरिंग और डिलीरियम वगैरह करवा देती है। इटोमिडेट है, एड्रिनोकॉर्टिकल सप्रेशन वगैरह करवा देती है। इसके बाद गाबा फैसिलिटेटर, गाबा एक इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर होता है, बेंजोडाइजिपिन गाबा चैनल की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देती है, जबकि बारबिट्यूरेट ड्यूरेशन को बढ़ा देती है, बारबिट्यूरेट गाबा मिमेटिक भी है। तो जो बेंजोडाइजिपिन है फ्रीक्वेंसी को बढ़ाती है, बारबिट्यूरेट ड्यूरेशन ऑफ गाबा मीडिएटेड क्लोराइड चैनल को बढ़ा देती है। जो बेंजोडाइजिपिन है गाबा फैसिलिटेटर है, जबकि बारबिट्यूरेट गाबा मिमेटिक होती है। बेंजोडाइजिपिन का डोज रिस्पॉन्स का फ्लैट होता है, जबकि बारबिट्यूरेट का डोज रिस्पॉन्स का स्टीप होता है। बेंजोडाइजिपिन सेफ ड्रग होती है, बारबिट्यूरेट अनसेफ ड्रग होती है। बेंजोडाइजिपिन नॉन एंजाइम इंड्यूसर, जबकि बारबिट्यूरेट एंजाइम इंड्यूसर होती है। लेस एमनीजिया होता है बेंजोडाइजिपिन की वजह से, बारबिट्यूरेट की वजह से स्ट्रॉन्ग एमनीजिया होता है। बेंजोडाइजिपिन के लिए एंटीडोट फ्लोमाजेनिल होता है, उसके लिए कोई एंटीडोट नहीं है। जो मिथाइलफेनिडेट है, नोरएपिनेफ्रिन और डोपामिन के रिलीज को बढ़ा देती है। अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि लेजर टैकीकार्डिया कराती है, ग्रोथ रिटार्डेशन है एज कम्पेयर टू एम्फिटामिन है, तो ये ड्रग और चॉइस के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसके अलावा एम्फिटामिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मोटाफिनिल है ये साइको स्टिमुलेंट होती है। ओके तो मोस्टली ये नाइट शिफ्ट वर्कर यूज़ करते हैं ताकि वो अलर्ट रह सके और जिंदा नहीं जागे रह सके। टेंशन स्पैम को बढ़ा सकती है, एक्यूरेसी को वगैरह को इम्प्रूव कर देती है। ओके तो नार्कोलेप्सी को ट्रीट करने के लिए मोटाफिनिल हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा पीमोलिन है, पीमोलिन सीएनएस स्टिमुलेंट होती है, टेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, नार्कोलेप्सी और एक्सेसिव डे टाइम स्लीपनेस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। एम्फिटामिन भी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन ये ड्रग को चॉइस नहीं होती क्योंकि इसकी अब्यूसिव टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। ओके इसके अलावा रेस्पिरेटरी सेंटर और हंगर सेंटर को स्टिमुलेट कर देती है। मिथाइलफेनिडिन ये ड्रग को चॉइस होती है फॉर टेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। दूसरी ड्रग में एम्फिटामिन है, पीमोलिन है, एटोमैक्सेटिन होती है। पीमोलिन मार्केट से निकाल दी गई है क्योंकि हेपेटोटॉक्सिसिटी करवा देती है। ओके जो एम्फिटामिन है, फेनिसाइक्लिडिन है, मिथाइलफेनिडेट और फ्लोमाजेनिल है, इनके अब्यूज की वजह से सीजर हो सकती है, डेट इज वाई दे आर नॉट यूज फॉर सीजर डिसऑर्डर। अल्जाइमर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस डोनबेजिल होती है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लिए एसएसआरआई लाइक फ्लोक्सिटिन वगैरह यूज करते हैं। अल्जाइमर डिजीज को ट्रीट करने के लिए रिवास्टिग्मिन, डोनबेजिल वगैरह यूज करते हैं। इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनेस्टेस इनहिबिटर होती है। ओसीडी को ट्रीट करने के लिए फ्लोक्सिटिन होती है। पार्किंसन के लिए लिवोटोपा कार्बिटोपा। ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म को ट्रीट करने के लिए बेंजहेक्सोल वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। सेंट्रली एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है। इथोसुक्समाइड क्या करती है, टी टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देती है, सीजर वगैरह को कंट्रोल कर देती है, लाइक एब्सेंट सीजर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा सीजर के थ्रेशोल्ड को बढ़ा देती है। क्लिनिकली ये एब्सेंट सीजर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर ड्रग्स यूज इन द प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन, तो पहला है प्रोफाइलेक्सिस के लिए तो वो बीटा ब्लॉकर है। तो प्रोपेनोलोल होती है, मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग होती है फॉर द प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन है। तो ये फ्रीक्वेंसी को सिवेरिटी ऑफ अटैक को ट्रीट करने के लिए यानी कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। ओके इसके अलावा ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, फॉर एग्जाम्पल एमिट्रिप्टालिन होती है माइग्रेन के अटैक को प्रिवेंट करने के लिए, कम करने के लिए। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर फॉर एग्जाम्पल वेरापामिल होती है। एंटी कन्वल्सिव ड्रग्स में वेलप्रोइक एसिड, गाबापेंटिना, टोपिरामिड वगैरह, फेनिटोन ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इथोसुक्समाइड को हम एब्सेंट सीजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। पार्किंसन के अंदर जो एसिटाइल कोलिन और डोपामिन का लेवल खराब हो जाता है, बैलेंस खराब हो जाता है। डोपामिन कम हो जाती है, एसिटाइल कोलिन रिलेटिवली ज्यादा हो जाती है। तो प्रिंसिपल क्या था, डोपामिन को बढ़ा देना, एसिटाइल कोलिन के लेवल को कम कर देना। लेवोडोपा ट्रीटमेंट के लिए देती है, लेकिन ये डोपामिन में कन्वर्ट हो जाती है इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बाय एंजाइम डोपा डीकार्बोक्सिलेज, ठीक है। तो डोपा डीकार्बोक्सिलेज को ब्लॉक करने के लिए कार्बिडोपा वगैरह अप्लाई करते हैं। डोपामिन ब्लड बिल बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती, लेकिन लिवोडोपा कर जाती है। कार्बिडोपा पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर होता है, लिवोडोपा के साथ मिला के देते हैं ताकि इसकी पेरिफेरल कन्वर्जन को ब्लॉक कर सके। ओके अब ओनो फिनोमिना होता है। ओनो फिनोमिना क्या होता है, अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन होती है किस चीज़ के दरमियान, ये मोबिलिटी और इमोबिलिटी के दरमियान। ओके लिवोडोपा की वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, लाइक 1 से लेकर 2 घंटे होती है। इसको अवॉइड करने के लिए हम इसको कैटिकोलामिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर के साथ देती है, लाइक इंटाकोपोन, टोलकोपोन होता है। ओके
पार्किंसनिज्म है तो एमेंटाडीन एंटीवायरल ड्रग इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा पार्किंसन के लिए भी इस्तेमाल होती है, अर्ली पार्किंसन के ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, स्पेसिफिकली वो पेशेंट जो कि लीवर ड्रॉपर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि डोपामिन के रिलीज को बढ़ा देती है, डोपामिन के अपटेक को ब्लॉक कर देती है, इसकी वजह से एंकल एडिमा हो सकता है, लीवर डो रेटिकुलरिस हो सकता है, एलुसिनेशन वगैरह हो सकती है। आगे ब्रोमोक्रिप्टिन, तो ब्रोमोक्रिप्टिन क्या होती है, एरगेट होती है जो कि क्लेविसस पूरे से निकाली जाती है। अब इसमें एरगोटामिन एरगोनाविन है, ब्रोमोक्रिप्टिन मेथिसर्जाइड और एलएसडी होता है। इन ड्रग के पास पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी होती है, किसकी, सेरोटोनिन की, अल्फा रिसेप्टर की, डोपामिनर्जिक एक्टिविटी है, जो अर्गिल डेरिवेटिव है ड्राई गैंग्रेन के साथ हैंडर फुट का, और इसके अलावा क्रोनरी वैसोस्पैज़म भी करवा सकते हैं। जो अर्गिल डेरिवेटिव है माइग्रेन पेन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन एनाल्जेसिक नहीं होती दूसरी कंडीशन के लिए। ब्रोमोक्रिप्टिन प्रोलैक्टिन के लेवल को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है, स्पेसिफिकली जो कि पिट्यूटरी ट्रीमर की वजह से होता है। जो बेंजहेक्सोल है ड्रग को चॉइस होती है फॉर ड्रग इंड्यूस पार्किंसिनिज्म है, बेंजहेक्सोल। ई मैनागोक है ऐसी हर्ब्स होती है जो कि ब्लड फ्लो को स्टिमुलेट करती थी, इधर पेल्विक एरिया और यूट्रस है। रोपिनरोल और प्रेमीपेक्सोल नॉन अर्गल डेरिवेटिव होते हैं, रोपिनरोल और प्रेमीपेक्सोल। प्रेमीपेक्सोल D3 के लिए होता है, पार्किंसन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ब्रोमोक्रिप्टिन और परगोलेट अर्गल डेरिवेटिव होते हैं, पार्किंसन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तमाम अर्गल डेरिवेटिव रेट्रोपेरिटोनियल फिब्रोसिस करवा देती है, कार्डिक पल्मोनरी फिब्रोसिस करवा देती है, डिजिटल वैसोस्पैज़म वगैरह करवा देती है। नॉन अर्गल डेरिवेटिव के अंदर प्रेमीपेक्सोल और रोपिनरोल है, वो लॉन्गर एक्टिंग होती है, गैंग्रीन वगैरह नहीं करवाती। इनकी वजह से डे टाइम स्लीपनेस हो सकती है, गैम्बलिंग हैबिट्स हो सकती है, सेक्सुअलिटी बढ़ जाती है। ओके, जो रोटीगोटिन है ये भी नॉन अर्गल डेरिवेटिव है, तो ये ट्रांसडर्मल पैच की फॉर्म में अवेलेबल है। इसके बाद मोनोमिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, तो जो डोपामिन सिनेप्टिक क्रैक में रिलीज होता है तो इसको मेटाबोलाइज करने वाला एंजाइम मोनोमिन ऑक्सीडेज टाइप बी और कैटेकोलामिथाइल ट्रांसफरेज होता है। ओके, तो जो मोनोमिन ऑक्सीडेज टाइप बी इनहिबिटर के अंदर सिलेजिलिन, रिसिलेजिलिन और सफिनामाइड आता है, जबकि कैटेकोलामिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर में एंटाकार्बोन, एटोल कार्बोन है। ऐसी ड्रग जो कि डोपामिन के रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है, तो उसमें अर्गल डेरिवेटिव लाइक ब्रोमोक्रिप्टिन और कैबरगोलिन है, जबकि नॉन अर्गल के अंदर प्रेमीपेक्सोल और रोपिनरोल रोटीगोटिन आती है, जबकि ट्रांसडर्मल पैच के फॉर्म में अवेलेबल होती है। नॉन अर्गल में PRR याद रख लो, RPR रख लो, चलो रोपिनरोल, प्रेमीपेक्सोल और रोटीगोटिन है। इसके बाद लैमोट्रिजन होती है, तो आपको पता है कि जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ब्रेन के अंदर, तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल से प्रोपेगेटेड हो जाती है, जो कि सीजर वगैरह करवा देता है। ओके, तो ड्रग्स जो कि सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती है, तो इसके अंदर जो वेलप्रोइक एसिड है, लैमोट्रिजिन है, फेनिटोइन है, कार्बामेज़ेपिन है, लैकोसामाइड, ट्रोफिनामाइड, टोपिनामाइड और जोनोसिमाइड होती है, ठीक है। ओके, अब कुछ ड्रग्स के एडिशनल मैकेनिज्म भी होते हैं। इथोसुक्सामाइड ने टी टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देना है, लेविट्रियासिटाम ने सिनैप्टिक वेसिकुलर प्रोटीन को इनहिबिट कर देना है, गाबा के रिलीज को बढ़ा देना होता है। ग्लूटामेट रिसेप्टर ब्लॉकर में लाइक NMDA के अंदर फेल्बामेट आता है, जबकि AMPA के अंदर पिरामिपेनल आ जाएगा, NMDA के लिए फेल्बामेट आ जाएगा। ओके, इसके बाद है ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एंटी सीजर एक्टिविटी, तो लैमोट्रिजन होती है, बहुत सारे सीजर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, फॉर एग्जांपल पार्शियल सीजर है, जनरलाइज सीजर है, एटीपिकल एब्सेंस सीजर है, लिनॉक्स गैस्टर्ड सिंड्रोम है। तो कौन कौन से है, पार्शियल सीजर, जनरलाइज सीजर है, PGT, ओके, यानी टिपिकल एब्सेंस सीजर है। ओके, इसके अलावा हम कह सकते हैं लिनॉक्स गैस्टर्ड सिंड्रोम है। लैमोट्रिजन सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती है, टी टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देती है, गाबर्जिक एक्टिविटी को बढ़ा देती है। लैमोट्रिजन की डोज को कम करना चाहिए जब आप वेलप्रोइक एसिड डाल देते हो। मेजर एडवर्स इफेक्ट में स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, टॉक्सिक एपिडर्म, नेक्रोलाइसिस और इंसोम्निया वगैरह हो सकता है। सोडियम वेलप्रोइट की ड्रग को चॉइस होती है एब्सेंस सीजर के लिए, इसके अलावा ये जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर वगैरह के लिए, बाकी सारी सीजर के ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, मेनिया और बाइपोलर इलनेस के लिए भी इस्तेमाल होती है, मेनिया को ट्रीट करने के लिए बाइपोलर डिजीज है। ओके, और जो वेलप्रोइक एसिड होती है पोलोफ्रैक्सिस के तौर पर इस्तेमाल होती है, इन माइग्रेन है। सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती है, गाबा की एक्टिविटी को बढ़ा देती है। जो ड्रग एब्सेंस सीजर के लिए इस्तेमाल होती है, तो उसमें सोडियम वेलप्रोइक के अलावा इथोसुक्सामाइड, लैमोट्रिजिन है, क्लोनाजेपाम वगैरह इस्तेमाल हो सकती है। ओके, एब्सेंस सीजर है, पैटिटमाल सीजर होता है, इसको बोलते हैं, बच्चों के अंदर 2 से लेकर 3 कम के अंदर इथोसुक्सामाइड है। एब्सेंस सीजर के लिए सोडियम वेलप्रोइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरलाइज या ग्रैंड माल सीजर के लिए लैमोट्रिजिन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, एज कम्पेयर टू सोडियम वेलप्रोइक एसिड। तो ये पूरा टेबल है, उसको देख लेना। अच्छा, हम इंपॉर्टेंट सीजर वगैरह को तैयार कर लेते हैं। तो इन्फेंटाइल या यहाँ पे स्लैम सीजर लिखा हुआ, तो उसके लिए ACTH यूज करती है। इन्फेंटाइल स्पैज़म है, जिसमें ट्यूबरस सेक्लोरिसिस भी है, तो इन्फेंटाइल स्पैज़म वगैरह को ट्रीट करने के लिए विगाबैट्रिस वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। फिब्राइल सीजर को ट्रीट करने के लिए डायजीपाम वगैरह यूज करते हैं। स्टेटस एपिलेप्टिकस को ट्रीट करने के लिए डायजीपाम इस्तेमाल करते हैं। सीजर एक्लेम्सिया के लिए मैग्नीशियम सल्फेट है। सीजर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी तो लैमोट्रिजन और लेविट्रियासिटाम है। लिनॉक्स गैस्टर्ड सिंड्रोम के लिए सोडियम वेलप्रोइक या लैमोट्रिजन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है वेलप्रोइक है, यहाँ पर लिखा है कि हैरिसन के मुताबिक जो ड्रग को चॉइस होती है ग्रैंड माल जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर या ग्रैंड माल सीजर भी कह सकते हैं। लैमोट्रिजन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, एज कम्पेयर टू सोडियम वेलप्रोइक एसिड। कार्बामेज़ेपिन पार्शियल या फोकल सीजर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। हैरिसन ये कहती है कि कार्बामेज़ेपिन, लैमोट्रिजन, फेनिटोइन, लेविट्रियासिटाम ये ड्रग को चॉइस होती है फोकल या पार्शियल सीजर को ट्रीट करने के लिए।
अब यहाँ पे इन्होंने एंटी एपिलेप्टिक ड्रग को सिलेक्शन लिखा हुआ है। अब यहाँ पर इसको यहाँ पे कवर नहीं करें, आप इसको देख लेना। अच्छा, यहाँ पर टॉक्सिक इफेक्ट है, लाइक वेलप्रोइक एसिड की वजह से फ्लेमिनेट हेपेटाइटिस हो सकता है, रेट्रोग्रेड एलोपी क्या है, पेटोटॉक्सिटी है, वेट गेन है, ट्राइमर है, पेनक्रियाटाइटिस है, इसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज है, स्पाइनल बाइफिडा हो सकता है, फेनिटोन की वजह से गम हाइपरट्रॉफी है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है हिस्टोटिज्म, पीटर हाइडेंटाइन सिंड्रोम है, मेकेलोब्लास्टिक एनीमिया है, कार्बामेज़ेपिन की वजह से ग्रैनुलोसाइटोसिस है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है, बोन मैरो सप्रेशन होती है, टैक्सिया ब्लरिंग ऑफ विजन है, ज़ोनिसमाइट की वजह से रीनल स्टोन है, ओके, टोपिनामाइड की वजह से क्या हो सकता है, रीनल स्टोन हो सकती है, सोमनीलेंस है, वीगा बैटरन की वजह से वीगल एक्यूटी कम हो जाती है, वेट गेन है, फल्बेमेट की वजह से प्लास्टिक एनीमिया और हेपेटोटॉक्सिटी हो सकती है, फेनिटोइन की वजह से जिंजिवल हाइपरप्लेजिया हो सकता है, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी। तो जो फेनिटोइन है ये मेजर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जो कि पार्शियल सीजर और जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, इसके अलावा स्टैटिक एपिलेप्टिकस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, फेनिटोइन वोल्टेज गेटर सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती है स्पेसिफिकली इन द इनएक्टिव स्टेट और इनकी रिकवरी को ब्लॉक कर देती है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करती है, 1 वीक के अंदर आ जाती है, डिजिटलिस इंड्यूस एरिथमिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, इसका यूज करने की वजह से फेटल हाइडेंटाइन सिंड्रोम हो सकता है जिसमें हाइपरप्लास्टिक फेलेंजेस है, लेफ्ट लिप है, लेफ्ट पैलेट और माइक्रोसेफली हो सकती है, ये फेनिटोइन के मेटाबोलाइट की वजह से होती है, फेनिटोइन ये फोलेट के एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है, इसके एक्सक्रीशन को बढ़ा देती है, फॉर एग्जांपल मेगालोब्लास्टिक एनीमिया करवा देती है, फेनिटोइन की वजह से जम हाइपरट्रॉफी होती है, गम हाइपरट्रॉफी होती है, हाइपरग्लाइसीमिया भी हो सकता है इसकी वजह से, ठीक है। अब जो अदर एडवर्स इफेक्ट के अंदर हिर्सुटिज्म है, कॉर्सनिंग ऑफ फेशियल फीचर है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है, ओके, इसके अलावा विटामिन के डेफिशिएंसी है, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर सेंसिटिविटी होती है, गाबा ट्रांसमाइनेस इनहिबिटर, तो वीगा बैटरन है, वीगा बैटरन गाबार्जिक ड्रग होती है, गाबा ट्रांसमाइनेस को ब्लॉक कर देती है, गाबा ट्रांसमाइनेस को ब्लॉक करने वाली ड्रग है, ओके, तो ये गाबा के लेवल को बढ़ा देती है, इन्फेंटाइल स्पैज़म को ट्रीट करने के लिए ट्यूबरस क्लोरोसिस को ट्रीट करने के लिए हम वीगा बैटरन इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा सिंपल और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर के लिए, ओके, तो साइड इफेक्ट में विजुअल फील्ड डिफेक्ट हो सकता है ड्यू टू पेरिफेरल रेटिनल एट्रोफी है, वेट गेन और एमनेसिया होता है, गाबा अपटेक ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करने वाली टियागैबिन होती है, ओके, सीआरएमपी कोलैप्सिन रिस्पॉन्स मीडिएटर प्रोटीन है, तो ये न्यूरोनल एक्साइटोटॉक्सिटी करवा सकती है बाय रिलीजिंग बीडीएनएफ है, ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर होती है, जो लैकोसामाइट होती है सीआरएमपी को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से न्यूरोनल एक्साइटोटॉक्सिटी को ब्लॉक कर देती है, जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है लाइक रैशेज ये वाला ड्रग इंड्यूस ल्यूपस एरिथ्रोमाइटोसिस लिम्फेडिनोपैथी और न्यूट्रोपिनिया ये बताती है कि आपको फेनिटोइन छोड़ देनी चाहिए। टोपिनामाइड है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है जो कि वेट लॉस करवा देती है, जो वेट लॉस करा देती है वो टोपिनामाइड और ज़ोनिसमाइड होती है। टोपिनामाइड क्या करती है, टोपिनामाइड वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती है, गाबा रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देती है, इसके अलावा ईएमपी रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, यूज है जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर, अल्कोहल क्रेविंग को कम कर देती है, लिनोस गैस्ट्रिक सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, मेंटेनेंस थेरेपी के तौर पर इस्तेमाल होती है, साइड इफेक्ट में यूरोलिथियासिस और सोमनीलेंस वगैरह आ सकती है, ओके। इसके बाद है कितने एमसीक्यू रह गए इसके, मैं पहले एमसीक्यू देख लूँ, ख़त्म होने वाली एमसीक्यू। नेलक्सोन है, तो नेलक्सोन होती है एक्यूट मॉर्फोन पॉइजनिंग में इस्तेमाल करते हैं, ड्रग को चॉइस होती है, जो ड्रग को चॉइस होती है यानी ओपियाड एंटागोनिस्ट के लिए नेलक्सोन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट एक्टिंग होती है, रैपिड ऑनसेट होता है, इंटरमिनस फॉर्म में देते हैं, नाल्ट्रेक्सन लॉन्गर एक्टिंग होती है, अल्कोहल एडिक्शन को ट्रीट करने के लिए, रिलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, डाइल्फेफिन नाल्ट्रेक्सन डेरिवेटिव है, इंटरमिनस फॉर्म में देती है, कोलेस्टेटिक प्रोराइटिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल देती है, प्रोराइटिस है, ओके। अब इंट्राथीकल या एपिड्यूरल एपियॉइड के ज्यादा यूज करने की वजह से क्या हो सकती है, साइड इफेक्ट आना शुरू हो जाती है, फॉर एग्जांपल फोर क्लिनिकल साइड इफेक्ट में प्रोराइटिस, नोजिया, वॉमिटिंग, रिटेंशन और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, इंट्राथिंकल इंजेक्शन की वजह से सेगमेंटल एनर्जीसिया वगैरह हो सकता है, ओके, ठीक हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं, इसके बाद हमें बसपिरोन है, तो जो बसपिरोन है न्यू क्लास ऑफ एंटी एंजाइटी ड्रग होती है, माइल्ड टू मॉडरेट जनरलाइज एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, इसका जो एक्शन होता है पार्शियल एगोनिस्ट एक्शन होता है इन द सेरोटोनिन टाइप ए रिसेप्टर होता है। अब फॉलोइंग एजेंट कैन बी यूज एज एंटी स्मोकिंग, तो पहला विरानिसिलिन होती है डायरेक्टली एक्टिंग निकोटिनिक एजेंट होता है, बुप्रोपियोन है, ये सेरोटोनिन के लिए नोरएपिनेफ्रिन और डोपामिन की न्यूरोनल अपटेक को ब्लॉक कर देती है, क्लोनिडीन है, ये भी अल्कोहल ये निकोटीन के विड्रॉल इफेक्ट को कम करने के लिए इस्तेमाल करती है, निकोटीन गम्स के अंदर पैचेस के फॉर्म या इनहेलर के फॉर्म में दे सकती है। अगर निकोटीन रिप्लेसमेंट गम है तो स्मोकिंग डिपेंडेंस को ट्रीट करने के लिए फर्स्ट टाइम में निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी जिसमें गम पैचेस इनहेलर देती है, बुप्रोपियन और विरानिसिलिन है, सेकंड लाइन के अंदर क्लोनिडीन और नोरट्रिप्टैलिन है, इसके अलावा रिमोना बैंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिमोना बैंड क्या है, कैनबिनेट रिसेप्टर इनवर्स एगोनिस्ट होती है, ओके। इसके बाद लिथियम है, लिथियम मैनिक डिसऑर्डर के अंदर ड्रग को चॉइस के तौर पर इस्तेमाल होती है, मेनिया के लिए प्रोफाइलेक्सिस होती है तो उसके लिए लिथियम होती है, ओके, प्रोफाइलेक्सिस के लिए लिथियम है, एक्यूट अटैक को ट्रीट करने के लिए, ओके, सिडेटिव प्लस एटीपिकल एंटीसाइकोटिक यानी बेंजोडाइजेपिन, मेनी एंड प्रेगनेंसी तो एटीपिकल एंटीसाइकोटिक होती है, ओके। लिथियम की टॉक्सिसिटी उसका मिमोनिक होता है लिथ, तो ल्यूकोसाइटोसिस इंसिपिडस होता है, टी सेल ट्रैमर होती है, ओके, कोर्स ट्रैमर होती है, टेराटोजेनिक होता है, एब्सटीन एनोमली होती है, हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। इसके बाद थेराबेटिक प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ लिथियम है, लाइक एक्यूट मीनिया के लिए 0.8 से लेकर 1.4, प्रोफाइलेक्सिस के लिए 0.5 से लेकर 0.8 और टॉक्सिक प्लाज्मा कंसंट्रेशन 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। इसके बाद फ्लोवॉक्सामीन है,
फ्लूवोक्सामिन क्या होती है, SSRI होती है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर है, सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ा देती है, सिनैप्टिक क्लेफ्ट है, तो माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, जो दूसरी ड्रग है लाइक इसमें सिटालोपराम है, फ्लोक्सटीन होती है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग है, फ्लूवोक्सामिन है, पैरोक्सेटीन है, सेरोट्रोलिन होती है, जो TCA है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, सेरोटोनिन और एपिनेफ्रिन डोपामिन की रिअपटेक को ब्लॉक कर देती है। इसमें जो ड्रग होती है इमिपरामिन, ट्राइमिपरामिन है, डेसिपरामिन है, ओके, क्लोमिपरामिन वगैरह आना शुरू हो जाती है, SNRI के अंदर वेलनफेक्सिन, डेसवेलनफेक्सिन, डोलॉक्सेटीन वगैरह ये ड्रग आ जाती है। सेरोटोनिन नॉन एड्रेनर्जिक रिअपटेक ब्लॉकर में 5 मेडिकेशन वगैरह आ सकती है जिनका नॉन ट्राइसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन की रिअपटेक को ब्लॉक कर देती है। ओके, तो वेलनफेक्सिन है, डोलॉक्सेटीन है, इसके अलावा ड्रग होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि एंटी डिप्रेसेंट के साइड इफेक्ट लाइक SSRI की वजह से क्या हो जाता है, डिलेड इजैकुलेशन होती है, प्री मेच्योर इजैकुलेशन के लिए अप्रूव होती है। ओके, क्योंकि डिलेड इजैकुलेशन वगैरह करवा देती है। सेरोटोनिन सिंड्रोम है, एनोरगैज्मिया होता है, एजिटेशन, एंजाइटी और इंसोम्निया वगैरह हो सकता है, जिटेनस होती है, TCA की वजह से सेडेशन है, वेट गेन है, टी वेव की फ्लैटनिंग होती है, QT डबल प्रोलंगेशन है, पोस्टरल हाइपरटेंशन है, SNRI की वजह से सेरोटोनिन सिंड्रोम, इंसोम्निया, टैकीकार्डिया और एंजाइटी वगैरह हो सकता है। मैं थोड़ा सा गला खराब हो गया बोल बोल के। ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं मोशन सिकनेस। तो जो मोशन सिकनेस होती है इसमें स्कोपोलामिन या हायोसियन होती है, मस्क्रीनिंग रिसेप्टर ब्लॉकर होती है, मोशन सिकनेस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। स्कोपोलामिन के डिफरेंट एक्शन होते हैं लाइक सिक्रीशन को कम कर देना, स्टोमक की और इंटेस्टाइन की पीपल की डायलेशन वगैरह कर देना, स्कोपोलामिन नोजिया को, वॉमिटिंग को रिलीव करने के लिए इस्तेमाल होती है, मोशन सिकनेस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, एनेस्थीसिया और सर्जरी से रिकवरी के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, डाइसल्फिनाम है, एंटी क्रेविंग एजेंट होता है, एवरियन को बढ़ा देता है, अल्कोहलिज्म के अंदर डिहाइड्रोजिनेस को इनहिबिट कर देता है, एसिटाल्डिहाइड के एक्युमुलेशन की वजह से फ्लशिंग होती है, बर्निंग होती है, थ्रोमिंग हेडेक होता है, परस्पिरेशन डिजीनेस वगैरह होती है। अब डाइसल्फिनाम लाइक रिएक्शन करवाने वाले ड्रग के नाम कौन कौन से होते हैं लाइक मोक्सालेक्टेम है, ग्लिसोफेविन है, मेट्रोनिडाजोल है, क्लोप्रोपामाइड है, सेफेराजोन है, सेफोटिटान है, ट्राइमेथोप्रिम, प्रोकार्बिसिन वगैरह होती है। ऐसी ड्रग जो कि अल्कोहल की क्रेविंग को कम कर सकती है, तो उसका निमोनिक है, नाटू, नाल्ट्रिक्सोन, कैम्प्रोसिड है, ओके, टोपिनामाइड होती है, इसके अलावा ओंडेंसेट्रोन वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस को इनहिबिट करने वाली फोमेपेजोल है, जबकि मेथनॉल की पॉइजनिंग को एंटीडोट होता है फोमेपेजोल और एथेनॉल है, जबकि थायलिन ग्लाइकोल के लिए फोमेपेजोल इस्तेमाल कर सकते हैं। एथेनॉल एक कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन करती है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस की, जो कि मेथनॉल की और थायलिन ग्लाइकोल की मेटाबॉलिज्म करता है, जिसकी वजह से रेटिनल डैमेज कम से कम होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं, आगे है फोमेपेजोल है, इसके बाद फ्लूमेजेनिल है, फ्लूमेजेनिल बेंजोडाइजेपिन ब्लॉकर होती है, इसका अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन में कोई फायदा नहीं होता। जो अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन होती है अल्कोहल की वजह से फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होती है, तो जो विड्रॉल सिम्पटम को कम कर देना, एडिक्शन को कम कर देना। जो बेंजोडाइजेपिन है क्लोरडाइजेपॉक्साइड और डाइजेपाम होती है, विड्रॉल को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। एक एम्प्रोसेट NMDA रिसेप्टर ब्लॉकर होती है, मेंटेनेंस थेरेपी के तौर पर इस्तेमाल होती है, नाल्ट्रेक्सोन ओपियाइड ब्लॉकर होता है, जो कि अल्कोहल की क्रेविंग को कम कर देता है। ठीक है, एम्प्रोसेट भी हो गया, नाल्ट्रेक्सोन भी हो गया, डाइसल्फिनाम है, यह फिजियोलॉजिकली डिपेंडेंट पेशेंट में दिया जाता है। ओके, ए वर्डियन को बढ़ा देता है, ये फिजिकली डिपेंडेंट पेशेंट के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। टोपिनामाइड और ओंडेंसेट्रोन ये भी अल्कोहल की क्रेविंग को कम कर देते हैं। डेट इज वाई नहीं बोलते, डेट्स इट। तो ये हमारा CNS फार्माकोलॉजी कवर हो जाती है।